today we are going to discuss the markings of chapter number 41 of respiratory physiology. Let's go. इस चैप्टर से आपने ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं स्टार्ट में, ये आपने फिर दो से करनी है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, इसमें जस्ट मेन चीज़ें आपने करनी है, या आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लें यहाँ से रीड करके जो मेन पॉइंट्स हैं, या फिर आप फिर दो से कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर अच्छे से करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ UQ, और इसके आपने डायग्राम भी करनी है, ठीक है। और ये सारा आपने करना है। उसके बाद यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट की आपने डेफिनेशन करनी है, और इसकी परसेंटेज की वैल्यू याद करनी है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन बफर द टिश्यू प्रेशर ऑक्सीजन, तो ये आपने जस्ट रीड करना है फॉर द MCQs, एंड ये भी आपने जस्ट MCQs के लिए रीड करना है। फैक्टर्स दैट शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व द इम्पोर्टेंस, ये आपने अच्छे से करना है, दिस इज़ ऑल्सो UQ, ये कर्व के साथ ही पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। और ये भी आपने करना है सारा बोर इफेक्ट, और ये भी आपने पैराग्राफ्स करने हैं राइट पर कौन सी चीज़ें फैक्टर्स के कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कर्व को लेफ्ट पर कौन से फैक्टर्स कर देते हैं, तो ये आपने करने हैं, ठीक है। ये MCQs में भी पूछ जाते हैं, और MCQs में ना तो SCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स, ये आपने जस्ट MCQs के लिए रीड करना है। एंड इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिलरीज, ये भी आपने जस्ट रीड करना है। इफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो, ये भी आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। ये पिंक पैराग्राफ्स में जो लिखा हुआ है, ये भी आपने MCQs के लिए रीड करना है। कम्बिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, ये आपने MCQs के लिए रीड करना है, और अच्छे वाला रीड करना है आपने। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज अ UQ, ये आपने करना है, और आपने ये सारा करना है। एंड आफ्टर दिस When oxygen binds with the hemoglobin carbon dioxide is released the halogen effect. This is very important. ये आपने करना है, काफ़ी लोग इसकी डेफिनेशन भूल जाते हैं, तो ये आपने करना है अच्छे से। एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, इसकी आपने इक्वेशन याद करनी है, और रेशियो आपने देखनी है फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, और एक नंबर का SCQ भी यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। चेंजेस इन द ब्लड एक्टिविटी ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, यह आपने रीड करना है, और MCQs के लिए दैट्स इट। और ये आपने ग्राफ नहीं करना, ठीक है, ये जो बना हुआ है।